हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कर्व ईवी के बारे में। दोस्तों क्या टाटा कर्व ईवी देगी 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज, क्या होगा माइलेज, आइए जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा कर्व ईवी के बारे में। दोस्तों टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक कार जल्दी भारत बाजार में कदम रखने के लिए तैयार है। दोस्तों टाटा की ये नई इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी से ज्यादा की रेंज दे सकती है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि टाटा मोटर्स 7 अगस्त के दिन नई कर्व लॉन्च करने जा रही है और वहीं इस कार को लेकर एक सवाल ये खड़ा होता है कि इस कार की रेंज क्या होने वाली है। दोस्तों टाटा कर्व ईवी पहले आ रही है और ये कार टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे महंगी कार हो सकती है। दोस्तों टाटा मोटर्स आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार लाने वाली है। दोस्तों इस गाड़ी की रेंज इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट में एक बड़ी चर्चा बनी हुई है। दोस्तों इस कार की सिंगल चार्ज रेंज नेक्सॉन ईवी से ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा होगी इस बात पर पूरी उम्मीद की जा सकती है कि टाटा कर्व ईवी 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है। और वहीं टाटा नेक्सॉन ईवी सिंगल चार्जिंग में 460 किलोमीटर की रेंज देती है। दोस्तों टाटा कर्व ईवी सिंगल चार्जिंग में करीब 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी से बड़ा बैटरी पैक लगा मिल सकता है। दोस्तों टाटा कर्व ईवी का आर्किटेक्चर पंच ईवी की तरह एक्टिडॉट ईवी पर बेस्ड हो सकती है और इसका मतलब है कि इस कार के फ्रंट में ही चार्जिंग पोर्ट लगा मिलेगा। दोस्तों टाटा कर्व ईवी में दो बैटरी पैक लगे मिल सकते हैं, एक मीडियम रेंज और दूसरा लॉन्ग रेंज। दोस्तों इस कार में मिलने वाले लॉन्ग रेंज बैटरी पैक से ही सिंगल चार्जिंग में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल सकती है। और वहीं इस कार के मिड रेंज वाली बैटरी पैक की बात करें तो उस वेरिएंट की सिंगल चार्जिंग रेंज 500 किलोमीटर से कम हो सकती है और इस वेरिएंट की रेंज नेक्सॉन ईवी के लॉन्ग रेंज वेरिएंट के करीब हो सकती है। दोस्तों टाटा कर्व के ईवी मॉडल में आइस वेरिएंट की तुलना में ज्यादा फीचर्स दिए जा सकते हैं और टाटा कर्व के इलेक्ट्रिक वेरिएंट की लॉन्चिंग के बाद इसके आइस वेरिएंट को भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इस नई इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन नेक्सॉन ईवी की तरह हो सकता है और इस बैटरी टेक्नोलॉजी, रेंज और चार्जिंग टाइम के साथ हम कई इलेक्ट्रिक कार मार्केट में देख सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत काफी ज्यादा है और इस कार के बारे में पूरी जानकारी 7 अगस्त को लॉन्चिंग के वक्त ही सामने आ सकती है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ।